हम इस वीडियो में जानने वाले हैं एक्सेल की एक ऐसी कमांड के बारे में जिसका नाम है मेल मर्ज, जो वर्ड और एक्सेल से मिलके काम करता है और एक चुटकी बजाते ही आप 1000 लोगों को अलग अलग सेपरेट चिट्ठियां टाइप कर सकते हो, लेटर टाइप कर सकते हो, लेबल बना सकते हो या आई गार्ड बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिगगाइड स्मार्ट क्लास में। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ढेर सारे टिप्स और ट्रिक्स। तो अगर आप नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसी से आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलने वाले हैं। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी के लिंक दिए गए हैं, वहां से जाके आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो हम जानने वाले हैं वर्ड और एक्सेल का सबसे यूजफुल ऑप्शन मेल मर्ज, जो अक्सर करके इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आप जब भी जॉब के लिए जाएंगे कि तो मेल मर्ज कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे पास एक एक्सेल की फाइल है और इसमें हमने छोटी सी एक टेबल बनाई है जिसमें कुछ लोगों के नाम हैं और एड्रेस हैं, और इनके ऊपर हमने एक हेडर भी लगाया है जहाँ पे नाम लिखा है, पता लिखा है। अब इन सभी लोगों को हमें एक सेपरेट लेटर लिखना है। आलोक को दिल्ली के पते पर, माधव को मुंबई के पते पर, मोनू को कोलकाता के पते पर, और इन सभी को हमें अलग अलग प्रिंट भी करना है। ये इससे ज़्यादा भी हो सकते थे, अभी तो ये 10 हैं, हो सकता है ये 100 भी होते, 1000 भी होते, 1500 भी होते, तो हम कितनी देर में ये काम कर पाते? हम केवल उतनी देर में ये काम कर पाते जितना टाइम हमको प्रिंट निकालने में लगता। आप सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, अगर इसको मैनुअली करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। इतने बड़े डेटाबेस को प्रिंट करने में बहुत ज़्यादा लगेगा, इसको सिंपली हम बहुत कम टाइम में कर पाएंगे। अब ये जो हमारे पास नाम, पते, एड्रेस लिखे हैं, इसके अलावा हमें एमएस वर्ड में एक लेटर और बनाना है, तो उसका मैंने फॉर्मेट यहाँ पर तैयार कर रखा है। यहाँ पर मैंने एक सिंपल छोटी सी चीज़ लिखी है, आपको सूचित करना है कि एक इवेंट जो कंप्यूटर साइंस से संबंधित है उसमें आपको सादर आमंत्रित किया जाता है या आपके शहर में किया जाना है, तो इसमें आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करें। अब वो जो डेटाबेस है वो हमें इस लेटर में लिखे आना है, सिंपल इतना काम करना है, और ये काम हम करेंगे मेल मर्ज के थ्रू। तो ये जो दोनों फाइलें हैं ये मैंने एक ही फोल्डर में सेव कर रखी हैं। यहाँ पर ये फोल्डर मैंने डेस्कटॉप पे बनाया है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ओपन करूँगा एमएस वर्ड की फाइल को, और फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊँगा कि हमें करना क्या है। तो ये जो नाम और हमारा पता है, जो शहर का नाम है, वो हमें सबसे ऊपर लेना है। सिंपल हम यहाँ पर दो एंटर करेंगे और यहाँ पर हम जगह बनाएंगे नाम और शहर का नाम को लेने के लिए। आपके पास चाहे ऑफिस 2007 है, चाहे उससे ऊपर के वर्जन है, आपको यहाँ पर मेलिंग टैब ज़रूर मिलेगा। इस पर चले जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट मेल मर्ज का। यहाँ पर आपको जाना है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स पर, इस पर क्लिक कर दीजिए। तीन ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे, टाइप अ न्यू लिस्ट, यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक। तो यहाँ पर आप, क्योंकि आउटलुक में अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हों तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप न्यू लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो डेटाबेस पहले से है तो हम ज़्यादा मेहनत क्यों करें। हम चले जाते हैं यूज़ एग्जिस्टिंग लिस्ट पर, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें उसी फोल्डर में जाना है अपने डेस्कटॉप पर जहाँ पर हमने वो डेटाबेस तैयार किया था, न्यू फोल्डर 2 में। यहाँ पर हमें वो एक्सेल की फाइल मिल जाएगी, एक्सेल की उस फाइल को ओपन कर लेना है। और जैसे आप फाइल ओपन करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट टेबल का। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक शीट डिस्प्ले कर रहा है, उसकी वजह ये है कि मैंने एक्सेल की फाइल में सिर्फ एक ही शीट बनाई है, अगर इससे भी ज़्यादा होती तो वहाँ पर वो डिस्प्ले करता। तो बस हम उसी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट रो ऑफ डाटा कंटेंट्स कॉलम हेडर। अब मैंने आपको बताया था कि आपको अपने डेटा के ऊपर हेडर लगाना है, नाम, पता, एड्रेस, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसे ओके कर देंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कृतदेव में आप टाइप कर रहे हैं हिंदी में तो आपको हेडर इंग्लिश में लिखना है, क्योंकि आपको आगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। मैं बताऊँगा कहाँ पर डिस्प्ले करेगा ये जो हेडर है। बस आपको यहाँ चले जाना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर जाना है इसके बाद में। तो बस आपको जहाँ भी नाम और पता इंसर्ट करना है वहाँ पर आपको माउस से क्लिक करना है, कर्सर ले जाना है। देखिए ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा मेलिंग टैब पर ही इंसर्ट मर्ज फील्ड का, इस पर क्लिक करिए। आप देखेंगे जैसे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमने वो जो टेबल थी वो ऐड करा ली थी, तो उस टेबल के जो भी ऊपर के हेडर थे वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। अब मेरा ये कहना कि आप जब कृतिदेव में काम करेंगे तो आपको इंग्लिश में लिखने हैं, वो आपको तभी डिस्प्ले होंगे कृतिदेव फॉन्ट में जब आप इंग्लिश में लिखेंगे, नहीं तो यूनिकोड में आपको लिखना है अगर आपको हिंदी में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, अगर आप यूनिकोड में नहीं लिखेंगे तो आपको यहाँ पर ये हिंदी में डिस्प्ले नहीं होगा, कुछ और ही भाषा बन जाएगी। तो पहले हम यहाँ पर नाम पर क्लिक करेंगे, देखिए नाम आ गया, उसके बाद एंटर करेंगे। दूसरा फील्ड इंसर्ट कराएंगे पते वाला, देखिए दोनों फील्ड आ गए। अब हमें यहाँ पर पते को एक बार और लेना है, शहर के नाम के आगे और लेना है, तो
तो दोबारा से जाएंगे हम और पते पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए पता यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। इसमें यही चीज़ है कि आप एक फील्ड को कितनी भी जगह कितनी भी बार रिपीट कर सकते हैं बिना कोई मेहनत किए। अब यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके जो हमारा लाइन स्पेसिंग वगैरह है उसको हम सेट कर लेंगे, तो एक जो प्रॉपर लेटर वाली शेप है वो आ जाएगी। आप चाहें तो इस जो फील्ड आपने इसमें इंसर्ट कराया है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई सिंपल। अब आपको करना क्या है, आपका जो डेटा है आपको डिस्प्ले कैसे होगा, आपको डेटा डिस्प्ले होगा मिलिंग टैब पर। आप जाएंगे यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट आएगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो डेटा है वो डिस्प्ले होने लग जाएगा। देखिए आलोक दिल्ली और यहाँ पर भी आपके शहर दिल्ली दोबारा से आ गया। अब अगर हम अगला डेटा आप यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, देखिए जैसे माधव मुंबई हो गया, मोनू कोलकाता हो गया, अनुष्का चेन्नई आ गया, मोहन दिल्ली आ गया। इस तरह से आप जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे आपको आपका डेटा दिखता जाएगा। इसे प्रिंट कैसे करना है, प्रिंट करना भी बहुत आसान है। आपको जाना है फिनिश एंड मर्ज पर, क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट डॉक्यूमेंट का, क्लिक करिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट रिकॉर्ड का, अगर सारे रिकॉर्ड प्रिंट करने हैं जितने आपने अभी तक बनाए हैं 10, 20, 50, 100, ऑल पे क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। अगर आपको केवल ये रिकॉर्ड जो आपको डिस्प्ले हो रहा है सामने मोहन दिल्ली वाला या और भी कोई वो प्रिंट करना है एक ही पेज, तो करंट रिकॉर्ड पर जाइए और ओके कर दीजिए, केवल वो रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बीच से कुछ प्रिंट करना है जैसे 2 से लेके 5 तक के जो रिकॉर्ड्स हैं वो प्रिंट करने हैं, तो यहाँ पर आप उसको टाइप करिए फ्रॉम में स्टार्टिंग वाला और 2 में लास्ट वाला और यहाँ से ओके कर दीजिए। तो इस तरह से आप कुछ ही मिनट्स में आपका ढेर सारा जो डेटा है उसको मेल मर्ज के थ्रू एमएस वर्ड में लाकर और अलग अलग सेपरेट लेटर टाइप कर पाएंगे। या फिर आप गूगल पर टाइप कीजिए माई बिग गाइड, तो सबसे ऊपर mybigguide.com का रिजल्ट मिल जाएगा, लर्निंग जोन दिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट, यूट्यूब और प्रिंटिंग के टिप्स और ट्रिक्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर नोट्स दिए हैं जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बस इस पर आप क्लिक कीजिएगा और कंप्यूटर नोट्स यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। ये बिल्कुल सीरीज वाइज दिए गए हैं और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ नीचे दी गई है कंप्यूटर सामान्य ज्ञान क्विज। यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा ऑनलाइन क्विज दिए हैं जिनसे आप अपना कंप्यूटर ज्ञान परख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा अनसुलझे प्रश्नों के आसान जवाब जो अक्सर करके आपके दिमाग में आते होंगे। हमने डार्क इंटरनेट के बारे में बताया है, ब्लू व्हेल गेम के बारे में बताया है, कॉल ड्रॉप क्या होता है ये भी हमने बताया है, इंटरनेट का मालिक कौन है ये भी बताया है, वाईफाई या लाईफाई क्या होता है। तो अगर इस तरीके का कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में है तो आप यहाँ पर जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। आप देखें कि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग 132 चीज़ों के बारे में हमने यहाँ पर बताया हुआ है, तो ये 132 आर्टिकल आपके बहुत काम आने वाले हैं।